लग रहा है ना देखने में कितना डिलीशियस। हेलो मेरे फूडीज, कुकिंग फैड विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी का हलवा, और वो भी बहुत ज्यादा ही टेस्टी होगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ली है यहाँ पर 2 लौकी, और इन्हें मैंने धो लिया है, और अब हम इसे छील लेते हैं। सबसे पहले लौकी के डंठल को काट देंगे, और इसे नीचे से भी काट देंगे। अब लौकी को छील लेते हैं। लौकी की सिर्फ सब्जी ही नहीं, लौकी का हलवा भी बहुत बहुत टेस्टी बनता है। सच में एक बार इस हलवे को जरूर ट्राई करना, आपको भी लौकी का हलवा बहुत पसंद आएगा। ये लौकी छील ली है, इसी तरह से हम दूसरी लौकी को भी छील लेंगे। सबसे पहले हम इसका भी डंठल काटेंगे और फिर इसे छील लेंगे। दोनों लौकी यहाँ पर छिल चुकी है। मैं एक लौकी में से 3 पार्ट कर लूंगी, आप चाहें तो 2 पार्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, लौकी को घिसना इजी हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने इसके छोटे पार्ट कर दिए हैं। अब इसे मैं दोबारा से धो लेती हूँ। लौकी को मैंने धो लिया है, अब हमें करना है इसे ग्रेट। अगर आपको लौकी के छोटे लच्छे चाहिए तो आप इस छोटी साइड से घिस सकते हैं, और अगर थोड़े से बड़े चाहिए तो आप इस साइड से घिस सकते हैं। किया के थोड़े बड़े लच्छे चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे घिसूंगी थोड़ी सी बड़ी साइड से। लौकी हमें पूरी नहीं घिसनी है, लौकी का जो बाहर का ग्रीन पार्ट है सिर्फ उसे ही घिसना है, और लौकी के बीच में जो व्हाइट पार्ट है उसे नहीं घिसना है, उसे हटा देना है। मैंने लौकी को चारों तरफ से कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए ये व्हाइट पार्ट बचा है, इसे हमें नहीं घिसना है, इसे हमें अलग हटा देना है। व्हाइट पार्ट को हटा देंगे, और इसी तरह से मैं दूसरी लौकी को भी ग्रेट कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारी लौकी को ग्रेट कर लिया है, अब इसे हम भूनेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को मैं कढ़ाई में चारों तरफ से घुमा दूंगी ताकि ये अच्छे से चिकनी हो जाए कढ़ाई। ऑयल की जगह इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, और अगर आप ऑयल या घी नहीं डालना चाहते तो आप इसे बिना घी या ऑयल के भी भून सकते हैं। अब कढ़ाई में कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे और इसे भून लेंगे। इसके अंदर दूध अभी हमें नहीं डालना है, लौकी को अभी हमें भूनना है 2 से 3 मिनट तक, इसके बाद ही हम दूध ऐड करेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर दूध और इसे मिक्स कर देंगे। जब दूध में लौकी सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें डालेंगे चीनी, लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है, इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, नहीं तो लौकी कढ़ाई में चिपक जाएगी। हलवे के अंदर मावा का यूज करूंगी, अगर आप इसके अंदर मावा का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर 1 कटोरी मलाई का भी यूज कर सकते हैं, वो भी मलाई भी मावा का ही काम करेगी। मैंने लौकी का हलवा शादियों में भी देखा है और खाया भी है, ये इतना अच्छा बनता है। वही हलवाई स्टाइल लौकी का हलवा आप घर पर भी बना सकते हैं, और कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने बनाया है, और वो भी लौकी से बनाया है, और ये पता है कुछ ही मिनटों में बनकर भी तैयार हो जाएगा। जब लौकी में दूध खत्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। लौकी में देखिए ज्यादा दूध नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही है, तो इस टाइम पर अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। मैंने ली है यहाँ पर 1 कटोरी चीनी, आपको मीठा कैसा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। लौकी में अगर अभी भी थोड़ी सी बाकी की कसर रह गई होगी वो चीनी के साथ पूरी हो जाएगी। चीनी भी पानी छोड़ती है, ये देखिए ये फिर से गीला हो गया है पानी जैसा, कि जो लौकी रह गई है पकना वो चीनी के रस के साथ अच्छे से पक जाएगी, और लौकी को हमें ठीक होने तक पकाना है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर को लौकी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से सब में मिल जाए। मैं
मैं इसके अंदर कटे हुए बादाम, आपके जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स को भूनकर भी लौकी में डाल सकते हैं, फिर ऐसे काटकर भी डाल सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, लौकी का जूस नहीं पियेंगे, लेकिन हलवा वो ज़रूर खाएंगे। लौकी का हलवा बनता ही इतना यमी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मावा। मावे से हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे लौकी के हलवे में डालें या गाजर के हलवे में, डालने से हलवे में टेस्ट दो गुना और बढ़ जाता है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो मैं उसका भी हल आपको बताती हूँ। या तो आप इसके अंदर एक कटोरी मलाई डाल दीजिए और उसे अच्छे से पका लीजिए, या फिर 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल दीजिए, इससे भी हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। और जब आप इस लौकी के हलवे को टेस्ट करोगे ना, तो आप भी बोलोगे इसमें लौकी कहाँ है भाई लौकी। ये लौकी से तो बना होगा, लेकिन जो इसका टेस्ट होगा ना लौकी वाला, वो लौकी का नहीं होगा। उसका टेस्ट आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये लौकी से बना है। समझ गए ना आप मेरी बात। ये देखिए ठीक होना शुरू हो चुका है। अब बस मैं इसे 1 मिनट तक और पकाऊंगी और फिर गैस बंद कर दूंगी। हलवाई स्टाइल लौकी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। मैंने ली है यहाँ पर 1 प्लेट और लौकी को और हलवे को मैं इस प्लेट में ही सर्व करूंगी। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए बादाम। आप चाहें तो इसके ऊपर मावा भी डाल सकते हैं, या फिर जो चांदी का वर्क होता है आप हलवे के ऊपर वो भी लगा सकते हैं। अब सच बोलूं मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लौकी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब मैं इसको बना रही थी ना, तो इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी, तो मैं तो अब इसको खा रही हूँ। आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये सच में बहुत ज़्यादा ही यम्मी बना है। मुँह में ना एकदम घुल सा रहा है, ये एकदम लच्छेदार लौकी का हलवा बना है ये। मैं तो अब खा रही हूँ 2 चम्मच। मुझे तो लग रहा है कि सारा हलवा मैं ही खा जाऊँगी, किसी और को मिल ही नहीं पाएगा घर में। तो अगर आपको मेरी ये लौकी के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आप इसे ट्राई करोगे तो इसकी फ़ोटो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी इस हलवे की रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।